हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून वेलकम टू टेस्टबुक बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल कैसे हैं सब लोग स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के हमारे सेशन में तो हम लोग अभी एल आई मेंस की तैयारी कर रहे थे पिछले हफ्ते लेकिन अभी संडे के दिन यानी कि कल ही एल आई सी मेन्स की एग्जाम हमारी हो गई थी तो अभी हम लोग शुरू करते हैं नए एग्जाम की तैयारी आने वाले एग्जाम जो कि है आर ग्रेड बी हम लोग आर असिस्टेंट की वेट कर रहे थे काफी दिनों से काफी हफ्तों से रादर लेकिन उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है और अभी चांसेस ऐसे भी है कि शायद आर असिस्टेंट ना भी आए इस साल लेकिन देखते हैं लेट्स होप फॉर द बेस्ट हम सब चाहते हैं कि आर असिस्टेंट एग्जामिनेशन आ जाए नोटिफिकेशन आ जाए लेकिन थोड़ा सा अनसर्टेंटी जो है वो बढ़ चुका है आर असिस्टेंट को लेके लेकिन आरबीआई ग्रेड भी डेफिनेटली इस साल होने वाला है तो ग्रेड बी की तैयारी हम डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं ग्रेड बी थोड़ी हायर लेवल की एग्जाम होती है राधर बहुत हायर लेवल की एग्जाम होती है के इसमें और जब आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे होते हो तो आपकी इंग्लिश जबरदस्त लेवल पर बहुत बढ़िया लेवल पर होनी बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ प्रिलिम से नहीं मेंस भी काफी टफ होता है और मेंस में आपको एक्चुअली बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते हैं एसेज लिखने होते हैं और उसमें आपकी अगर इंग्लिश की लेवल अच्छी नहीं है वो कैब की समझ अच्छी नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है तो हम ये आर ग्रेड बी को ध्यान में रखते हुए सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से आपके प्रिलिम्स में आर ग्रेड बी में पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और उन क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा उसके ऊपर आज कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसके जैसे या उनके जैसे मिलते जुलते सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ और दूसरी बात कि आने वाली जो एग्जाम होगी ग्रेड बी की बाकी इन जनरल बैंक एग्जाम्स भी जैसे एस बी आई पी ओ आई बी पी एस पी ओ उन एग्जाम्स में भी प्रिलिम्स लेवल के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसके लिए भी ये सेशन बहुत बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ओके okay? चलिए तो आज की शुरुआत हम करते हैं गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू शालिनी मोहित नेहा विपुल दीपाली मोहित अग्रवाल यस yes. पंकजीनी गुड आफ्टरनून हिमांशी ज्योतिर्मय मास्टर गुड आफ्टरनून ओके चलिए रेडी है सब लोग शुरू करें एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो सब लोग और जो नए स्टूडेंट्स आए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन एज वेल well. चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताइए क्या होगा आंसर यस आरसी में Definitely two, true, probably true वाले वाले हाँ, करवाएंगे के लिए है ना एक अलग से सेशन हम लोग करने वाले हैं जिसमें ये सारे के क्वेश्चन जो इन्फरेंस बेस्ड होते हैं डेफिनेटली ट्रू प्रोबेबली ट्रू या फिर थीम ऑफ द पैसेज वाले टाइटल ऑफ द पैसेज वाले ये सारे क्वेश्चन अलग से एक सेशन में कंडक्ट करने वाले हैं सो उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड क्लास होगी मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको थोड़ी दिन में चलिए क्या होगा आंसर 3 और 4 के साथ सब लोग जा रहे हैं कंफ्यूजन है ओके okay. सबसे पहले तो वुड के बाद क्या आएगा देखिए 1 के साथ जो लोग जा रहे हैं गलत हो जाएगा वुड के बाद कभी भी केम नहीं लगता ये वी2 फॉर्म में तो डेफिनेटली गलत है सेम चीज यहां पर आप बोल सकते हैं वुड के बाद कम्स एस लगा के वी5 कभी आता ही नहीं ऐसा स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है यानी कि 1 और 4 तो डेफिनेटली गलत है ओके विल विल कम यहां पर आ गया प्लस वन और वुड कम यहां पर आ गया वुड प्लस वी वन ओरिजिनल या वुड लगेगा ये चेक करने के लिए हमारा दूसरा वर्ब यहां पर मदद करता है कुड़ गेट है आगे जाके कुड़ आ गया तो अगला वर्ड अगर कुड़ है तो पहला भी वुड या फिर कुड़ जैसा ही वीटू फॉर्म में कोई होना चाहिए यानी कि ये जो विल कम वाला ऑप्शन नंबर टू है इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो बचा अपने पास या तो ऑप्शन नंबर थ्री या फिर नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड ओनली इफ द सन वुड कम या इफ ओनली द सन वुड कम ओनली इफ ये स्ट्रक्चर नहीं होता इफ ओनली या स्ट्रक्चर होता है इफ ओनली यानी कि एक प्रकार का कंडीशनल सेंटेंस ही तैयार करता है नॉर्मली आप बोलेंगे सर कंडीशनल सेंटेंस में इफ के बाद आने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वुड तो लगाते नहीं है Normally नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस बनती है, के है। यानी कि if के बाद जब only लगता है, तो उस केस में would v1 का construction allowed होता। अगर आप grammatically एकदम pure तरीके से लिखना चाहते हो तो ये सेंटेंस ज्यादा सिंपल टेंस में बेटर बनता इफ ओनली सन केम आउट वुड कम के जगह पे यहाँ पर अगर सिर्फ केम आउट होता वीटू फॉर्म में यानी कि सिंपल टेंस में तो ज्यादा बेटर बनता क्योंकि अगला जो मेन क्लॉज है उसका स्ट्रक्चर यहां पर कुड़ प्लस के फॉर्मेट में है यानी कि ये सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस बनना ज्यादा बेटर है लेकिन हमें वैसा दिया नहीं है कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया है जिसमें सीधा वी टू या के एम आ गया तो जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग है हमारे पास उसके साथ ही जाएंगे और वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर थ्री थ्री आंसर यहां पर सही होगा बिल्कुल करेक्ट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन The doctor advised him taking a course of antibiotics. One के साथ majority ऑफ यू आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर वेरी गुड ए डी वी आई सी ई वाला जो एडवाइस होता है ये नाउन होता है और ए डी वी आई सी वाला जो एडवाइस होता है ये क्या होता है ये वर्ब होता है एडवाइस एंड एडवाइस एस okay? ई -E के साथ वर्ब बनता है सीई -E के साथ नाउन बनता है तो डॉक्टर आपका यहां पर सब्जेक्ट आ चुका है और डॉक्टर के बाद आएगा आपका वर्ब वर्ब आएगा यानी कि एस ई -E वाला हमें एडवाइज चाहिए सीई -E वाला नाउन नहीं चल सकता तो सीई -E वाला ये जो एडवाइस है ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच ही गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू आप इधर हटा सकते हैं ओके okay? फिर उसके बाद यहाँ पर एडवाइज्ड चल सकता है यानी कि हमारे वन थ्री या फिर फोर ऑप्शंस करेक्ट है किसको एडवाइज किया डॉक्टर ने उसको एडवाइस दे दी यानी कि एडवाइज के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए किसे एडवाइस दी उसको एडवाइस दी हिम आना चाहिए और हिम आएगा मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर थ्री हो सकता है वन हो सकता है और जो दिया है वो हो सकता है और टू के बाद टेकिंग यहां पर जेर के फॉर्म में नहीं चल सकता

इसलिए ये सारे ऑप्शंस गलत है वन आंसर बिल्कुल सही अगला सवाल कैसे पता चलेगा कि टू आएगा सेंटेंस बना के देखिए नॉर्मल सा अपना कोई जनरल सेंटेंस बना के देखें तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा आपको

आगे फिर से कंपेरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव ये स्ट्रक्चर कॉमन है तो यहाँ पर जैसे द मोर सोफिस्टिकेटेड आ गया मोर सोफिस्टिकेटेड क्या है कम्पेरेटिव डिग्री है और द के साथ आ जाता है तो आगे कॉमा के बाद भी फिर से द का आना जरूरी है और उस द के बाद फिर से कंपेरेटिव डिग्री में कोई एडजेक्टिव आना जरूरी है तो हमें द चाहिए सेंटेंस की शुरुआत में यहाँ पर द ऑप्शन नंबर वन में है और ऑप्शन नंबर थ्री में है ए आर्टिकल नहीं चलेगा ऑप्शन नंबर टू गलत है विदाउट द नहीं चलेगा फाइव ऑप्शन गलत है मोस्ट सब्सटेंशियल भी गलत ही हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी गलत द मोर सब्सटेंशियल द मोस्ट नहीं चलेगा यहाँ पर क्योंकि जैसा यहाँ पर कंपेरेटिव है वैसा यहाँ पर भी कंपेरेटिव चाहिए तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है वन के साथ जाएंगे क्योंकि वहां पर मोर सब्सटेंशियल आ गया कंपेरेटिव डिग्री में सही है सो ए आंसर करेक्ट है बिल्कुल सही जा रहा है सब लोग बहुत बढ़िया चलिए अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट she performed so enthusiastically as the judges overlooked her inexperience कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है यहाँ पर एडजेक्टिव के स्ट्रक्चर देखे कैसे बनते हैं एज के बाद एडजेक्टिव जब लगता है तो फिर से एज लगा सकते हैं सो so के बाद जब एडजेक्टिव लगता है तो इसके बाद दैट लगता है जनरली मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में कभी कभी सो so के बाद एडजेक्टिव जब लग जाता है तो इसके बाद फिर से एज लगा सकते हैं लेकिन यहां पर एडजेक्टिव के पहले कोई नेगेटिव वर्ड जैसे नो no, या फिर नॉट या फिर नेवर ऐसे कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए तब जाके आपका ये स्ट्रक्चर बनता है और टी डबल ओ टू के साथ जब कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो उसके बाद में सिंगल ओ वाला टी ओ टू लगाते हैं है ना ये चार पैटर्न होते हैं ग्रामर में बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं बहुत बार रिपीट होता है ये कॉन्सेप्ट या तो एरर स्पॉटिंग में या एरर रेक्टिफिकेशन में या फिर फिलर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है क्लोज टेस्ट के अंदर ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सो so आ गया सो so के साथ आगे जाके एज लिखा हुआ है सो so के साथ एज चल सकता है लेकिन एडजेक्टिव जो है उसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड आना बहुत जरूरी है सो so 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 तो नॉट है मतलब एज नहीं चल सकता यानी कि फिफ्थ ऑप्शन आपका इंप्रूवमेंट वाला गलत हो जाएगा आई बात समझ में नाउ सो so के साथ फिर से एज आ गया और यहाँ पर भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है यानी कि चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा यहां पे फिर से सो so आ गया यहां पर एज आ गया फिर से कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है ऑप्शन नंबर थ्री हट जाएगा यहां पर सो so के साथ दैट चल सकता है क्योंकि ये वाला पैटर्न चलता है अलाउड होता है और एज के साथ दैट नहीं आता एज एंथुजियाटिकली दैट ये स्ट्रक्चर गलत होता है सो सही बात आपकी यहां पर फोर्थ सेकेंड ऑप्शन में होनी चाहिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है वेरी इजी कॉन्सेप्ट नथिंग डिफिकल्ट अगला सवाल मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट इन सिडनी ओलंपिक्स मोहित अग्रवाल फाइव के साथ जा रहे हैं आदिति शर्मा ऑल्सो गोज विथ फाइव नो इंप्रूवमेंट श्योर sure? बहुत सारे लोग फाइव के साथ जा रहे हैं। वर्षा सिमरन शालिनी फाइव के साथ जाने वाली जनता यहां पर गलत हो जाएगी वन करेक्ट सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट देख रहे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट ये आपका सब्जेक्ट है पहले प्रिपोजिशन के पहले आने वाला नाउन सिडनी ओलंपिक्स की बात नहीं कर रहे हैं फॉर मोस्ट ब्रिटिश की बात नहीं कर रहे हैं ये जो है पर, ये जो वर है है पर, आपका पहला वर्ब है सेंटेंस का, और ये वर्ब किसके हिसाब से आएगा इस एक्साइटिंग इवेंट द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट के हिसाब से इवेंट ए की तो है ना सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यानी कि आगे जो वर्ब आएगा ये भी सिंगुलर ही होगा सिंगुलर वर्ब यानी कि वाज चल सकता है वेर नहीं चलेगा समझ में आई बात इसी कॉन्सेप्ट को देख के आप ऑप्शन नंबर फाइव यहां पर एलिमिनेट कर सकते हैं वही सेम लॉजिक से ऑप्शन नंबर टू भी एलिमिनेट हो जाएगा ओके okay? फिर यहां पर रोइंग फाइनल्स यहां पर और रोइंग फाइनल इन दोनों में क्या डिफरेंस है बहुत बार ये लोग ये कंफ्यूजन होता है कि फाइनल और फाइनल्स में क्या डिफरेंस है फाइनल जो होता है विदाउट एस ये वाला ये एक एडजेक्टिव या विशेषण की तरह काम करता है ये हम किसी नाउन के पहले यूज करते हैं फाइनल मैच फाइनल बैटल फाइनल लेक्चर फाइनल आइडिया तो फाइनल के बाद में कोई नाउन का लगना जरूरी है लेकिन अगर वही वर्ड हमें नाउन की तरह यूज करना है खुद फाइनल ही नाउन की तरह यूज करना है तो फाइनल्स एस लगा के नाउन बन जाता The finals ऐसे सेंटेंस में बनाते समझ में आ रहा है मतलब है कि हमें यहां पर नाउन ही चाहिए रोइंग फाइनल्स ही चाहिए एस लगा के अगर सिर्फ फाइनल लगा दिया तो फिर आगे कुछ तो मैच लगाना पड़ेगा रोइंग फाइनल मैच ऑफ रोइंग या फाइनल इवेंट ऑफ रोइंग ऐसा कुछ होना चाहिए समझ में आई बात तो एस लगा के हमें फाइनल्स चाहिए फाइनल्स चाहिए मतलब ये सिर्फ फाइनल जो है वो गलत हो जाएगा एडजेक्टिव वाला तो फोर्थ ऑप्शन हमने हटा दिया तो बचा क्या अपने पास वन और वन और थ्री में मोर ब्रिटिश व्यूअर्स नहीं क्योंकि हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं हमें मोस्ट ब्रिटिश व्यूअर्स यानी ज्यादातर ब्रिटिश व्यूअर्स के लिए ना ये मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री नहीं है मोस्ट ब्रिटिश व्यूअर्स यानी कि ज्यादातर ब्रिटिश लोगों के लिए ज्यादातर ब्रिटिश व्यूअर्स के लिए ये बात है जो उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है समझ में आई बात इसलिए मोर हटा के थर्ड ऑप्शन भी हट जाएगा बस यही आंसर आपका करेक्ट एलिमिनेशन टेक्निक इज द बेस्ट वे टू रीच आंसर इन सच केसेस चलिए आगे बढ़ते हैं फिलर्स सिंपल है बहुत ही आसान है द डैश ऑफ द स्टेशनरी स्टीम इंजन वॉज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द के बाद नाउन लगेगा पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से यहां पर भी अंडरस्टैंड के बाद द है द के बाद भी नाउन आना चाहिए Options में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो नाउन के फॉर्म में आया है वो है डेवलपमेंट वर्ब है इरेक्टिव वर्ब है, एनिमेट वर्ब है रिग्रेट वर्ब है सारे वर्ब्स हैं। सिर्फ डेवलपमेंट ये नाउन है बस यही है ऑप्शन नंबर टू ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आरबीआई का ये लेवल प्रीलिम्स का पेपर इजी रहता है प्रीलिम्स का इवन आरबीआई ग्रेड बी का जो इंग्लिश का प्रीलिम्स का पेपर है ना इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट मॉडरेट लेवल का ही पेपर आता है ऐसे ही टाइप के सवाल देखने को मिले थे मेंस का जो आपका चैलेंजिंग पार्ट होता है वो मेंस में आता है आंसर राइटिंग में आता है आरबीआई ग्रेड बी इज अबाउट आंसर राइटिंग आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं वो वहां पर ज्यादा टेस्ट होती है और प्रीलिम्स में भी रीजनिंग का पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ज्यादा वेटेज रीजनिंग के पेपर में होती है मैथ्स और इंग्लिश uh, के कंपैरिज़न में द अर्लिएस्ट यूरोपियन डैश एट मेकनाइज स्पिनिंग वेयर विथ वुल यहाँ पर भी आप जो है वो ग्रामर से जा सकते हैं द अर्लीस्ट यूरोपियन के बाद ये जो नाउन आएगा ये नाउन एक्चुअली आपका सब्जेक्ट बनने वाला है क्योंकि ये पहले प्रिपोजिशन के पहले आने वाला नाउन है और इसी सब्जेक्ट के हिसाब से आगे ये वेर लिखा हुआ है तो ये जो वेर है ये प्लूरल वर्ब है प्लूरल वर्ब है यानी कि सब्जेक्ट भी यहाँ पर क्या आएगा प्लूरल आएगा कोई ऐसा नाउन चाहिए जो प्लूरल फॉर्म में है और ऐसा नाउन जो प्लूरल फॉर्म में है वो क्या है अटेम्प्ट्स अटेम्प्टे यहां पर ट्राई नहीं चलेगा ट्राई के जगह अगर ट्रायल्स होता तो भी चल सकता था लेकिन ट्रायल्स नहीं है तो ट्रायल गलत हो जाएगा ट्राई गलत हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन होता तो भी चलता सिलेक्शन नहीं है एम्ब्रेस नहीं चलेगा सो आंसर नंबर वन आंसर करेक्ट सॉरी टू आंसर करेक्ट अटेम्प्ट के साथ जाएंगे बिल्कुल सही प्लूरल नाउन एंड सीता हैज मेड सेवरल टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन चलिए आगे बढ़ते हैं अगला फिलर Economic historians are in agreement दैट द डैश ऑफ इंडस्ट्रियल revolution इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट स्टार्टिंग ऑफ समर बिल्कुल सही कहा आपने यहां पर फिर से द के बाद नाउन ही लगेगा और ये कोई ऐसा नाउन चाहिए जिसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग है ना तो प्रोटेक्ट ये वर्ब होता है राइज भी वर्ब होता है ऑनसेट ये नाउन होता है जिसकी शुरुआत हो सकती है स्टार्टिंग एल्यूमिनेट ये वर्ब होता है यानी कि किसी चीज को ब्राइट कर देना ब्राइटन अप कर देना और इलस्ट्रेट का मतलब एक्सप्लेन करना एक प्रकार से विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स एंड इमेजेस दैट इज कॉल्ड इलस्ट्रेट करना सो so यहाँ पर एक ही आंसर है ऑनसेट ऑनसेट ऑफ समथिंग ऑनसेट ऑफ मॉनसून कहते हैं ना ऑनसेट ऑफ इंडियन मॉनसून यानी कि इंडियन मॉनसून जब केरला कोस्ट पे हिट होता है उसको हम कहते हैं इंडियन मॉनसून की शुरुआत हुई है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग यहां पर भी आएगा विल रिटर्न फ्रॉम हर बिजनेस ट्रिप बिफोर दी ऑनसेट ऑफ समर समर शुरू होने से पहले वो अपने business ट्रिप से आ चलिए ऑफसेट का एंटरम किसी चीज का एंड हाँ बिल्कुल सही आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं idiom के यूसेज का सवाल है बताइए क्या होगा आंसर सिंगर वॉज नॉट इन वॉइस ही है कॉन्सर्ट वॉज वेरी मनडे इन सेंटेंस में जब आता है तो बहुत ईजीली बन जाता है मीनिंग पता चलने में कोई दिक्कत नहीं होती नॉट इन वॉइस ये ईडियम का मतलब फिर करेक्ट आंसर यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर वन ही आएगा कि नॉट एबल टू सिंग वेल या फिर अनएबल टू सिंग वेल ही वॉज कंप्लीटली म्यूट आवाज ही बंद हो गई थी कॉन्सर्ट कैसे गाएगा ही कैसे तो नहीं चलेगा हिज वॉइस कुड बी टर्न्ड ऑफ और ऑन डजंट मेक एनी सेंस ही वाज यूजिंग सम अदर पर्सनस वॉइस ये भी गलत हो जाएगा दूसरे पर्सन की आवाज में वो गा नहीं सकता तो करेक्ट आंसर वही होगा अनेबल टू सिंग ओके चलिए मंडेन का मतलब क्या होता है बोरिंग ऑर्डिनरी है ना बहुत ही सो so सो -so है ठीक ठाक ही हो गया कॉन्सर्ट क्योंकि उसकी आवाज तो ठीक नहीं चल रही थी वैसे मंडे नेक्स्ट आई एम prepared टू मीट यू हाफ वे द प्राइस इज but बट is इज अ लिमिट cannot be बी ट्रांसेंडेड The final choice is yours. अभी एक्स का मतलब ये नहीं होता कि किसी के घर के घर आधे रास्ते में मिलना. इसमें घरों की बात कर रहे हैं विच इज नॉट द करेक्ट ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मीट अप विथ यू का मतलब एक्चुअली किसी से मिलना मीटिंग करना फिजिकली जाके मिलना तो ये यहाँ पर मीट भी नहीं चल सकता मीट यू हाफ एन आवर आधे घंटे के लिए मिलना ये भी गलत हो जाएगा सो करेक्ट आंसर होना चाहिए एग्री एग्री ऑन अ कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज यू करने के लिए agree होना जैसे हम बोलते ना ना तेरा ना मेरा ये बीच का सौदा कर लेते डील पक्की कर लेते है ना सो आई एम प्रिपेयर टू मीट यू हाफ जब ये निगोसिएशन कर रहे होते हो दुकानदार के साथ बार्गेनिंग कर रहे होते हो तो कोई ऐसा शॉपकीपर है जो सिर्फ इंग्लिश में बात कर रहा हो है ना तो उसके साथ ये बार्गेन करते समय सेंटेंस आप यूज कर सकते पांच सौ रुपए तो नहीं देने वाला मैं इस चीज के लिए तीन सौ में लेना है तो ले लो वैसे ठीक है ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है एक ऐसी लिमिट है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते ट्रांसेंड का मतलब जिसको क्रॉस करके आगे चले जाना किसी लिमिट को क्रॉस करके आगे चले जाना उसको हम कहते हैं ट्रांसेंड करना और आपने अपने एंड से कोई ऑफर दे दिया और सामने वाले पर्सन का रिप्लाई एक्सपेक्टेड है तो आप एक और इडीएम यूज कर सकते हैं क्या है द बॉल इज इन योर कोर्ट द बॉल इज इन योर कोर्ट यानी कि मैंने अपने तरफ से बता दिया है ये मेरा डील फाइनल ऑफर है अभी तुम डिसाइड करो कि तुम्हें ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं द बॉल इज इन योर कोर्ट ऐसे सेंटेंस भी बना सकते ठीक है चलिए अगला देखते हैं क्या है The war between India and China has begun. India और China के बीच में वॉर शुरू हो गया है का मतलब क्या होता है yes. Fourth option के साथ काफी सारे लोग जा रहे हैं बिल्कुल सही being neutral and not choosing a side. दो लोगों के झगड़े में जब आप किसी एक की भी तरफदारी नहीं करते किसी एक से कि, किसी एक की साइड नहीं लेते

ओनली ए एफ के साथ काफी लोग जा रहे हैं कुछ लोग ऑप्शन नंबर थ्री के साथ भी जा रहे हैं ध्यान से देखिए क्या होगा आंसर नाउ ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो सबसे छोटा होता है ना उसके साथ जाने की कोशिश करते हैं नाउ सी ये सबसे छोटा लग रहा है तो मैं सबसे पहले इसको टारगेट करूंगा क्योंकि मेरे लिए आसान बनेगा हाँ नाउ ऑप्शन में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर सी के बाद उन्होंने डी का पैर बना दिया है और यहाँ पर सी के बाद उन्होंने एफ का पैर बना दिया तो एक बार देख लेते हैं कि सी डी और सी एफ में से कौन सा सेंटेंस बन रहा है द वास्ट मेजोरिटी ऑफ गुड्स दैट इनपुट प्राइसेस गुड्स के बाद दैट ये चल सकता है लेकिन दैट के बाद कोई वर्ब होना चाहिए था ताकि ये ये हो जाता क्या बोल सकते transported, the goods that are, जो भी भी है आर के बाद या कोई भी लगाना जरूरी होता that ये relative pronoun का काम करेगा और फिर उसके बाद में कोई वर्ब आता तो ये सेंटेंस एक अच्छा बेटर जो है वो बन जाता यानी कि सी और डी का पेयर नहीं बन सकता सी डी का पेयर अगर नहीं बन सकता तो थर्ड ऑप्शन को इधर आप एलिमिनेट कर सकते हैं

के बाद क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एन आइटम इंक्रीजेस एज द प्राइस इंक्रीजेस चल सकता है तो उसका प्राइस भी बढ़ता है no? मतलब ऑप्शन नंबर वन करेक्ट आंसर हो सकता है और वन आंसर ही करेक्ट so, जो लोग वन के साथ गए करेक्ट है, हुए हैं जल्दबाजी में आंसर मत करिए मैच द कॉलम के क्वेश्चंस के लिए टेक योर टाइम डोंट बी इन अ रश सारे ऑप्शंस को वेरीफाई कर लो और उसके बाद आंसर करना, ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट। यस दीपाली सही कहा आपने ऑल फैक्टर्स बीइंग इक्वली इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है बहुत बार पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक्स में पोलियो से सफर हो रहे थे और पोलियो के वजह से पैरलाइज फ्रॉम द वेस्ट डाउन अंडर यानी कि कमर के नीचे का पूरा पार्ट जो है वो हो गया था। रूजवेल्ट हिज डिजेबिलिटी एंड वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट रूजवेल्ट जो थे वो इस पैरालिस से ओवरकम हुए एंड इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द यूएस यानी कि हमारा सी और डी का पेयर तो डेफिनेटली बन रहा है सी डी का पेयर बन रहा है तो ऑप्शन नंबर टू में है तो एक बार बी और एफ बना के देखते हैं देयर मे बी एन एन ओवरलैप बिटवीन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड ऑब्जेक्ट में प्रोसेसिंग मोर देन वन फॉर्म एट अ टाइम यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वहां पर भी मोर देन वन फॉर्म एट अ टाइम आ गया तो सेंटेंस भी बनता हुआ नजर आ रहा है सिमिलर वर्ड्स हैं रिलेट भी हो रहे हैं और सेंटेंस कंटिन्यू भी होता हुआ नजर आ रहा है यानी कि बी और एफ का सेंटेंस भी बन रहा है तो बस सी डी बी एफ होना चाहिए आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही रूजेवेल्ट मीनिंग अरे पर्सन का नाम है प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है चले आगे बढ़े नेक्स्ट देखिए क्या कर सकते हैं द लैंडर इज बींग डेवलप्ड एंड टेस्टेड बाय द द के बाद यहाँ पर कोई नाउन आएगा बाय द ना बाय द कंपनी बाय समथिंग द के बाद कोई नाउन आएगा द के बाद हैड नहीं लगा सकते द के बाद अनदर दैट डिपेंड्स ऑन रिदम नहीं बोल सकते द के बाद फ्लो वर्ब नहीं लगा सकते यानी कि बी पार्ट के साथ कोई भी ऐसा नहीं है जो जुड़ रहा है तो बी वाले जितने भी ऑप्शन है वो आपके नहीं बनेंगे बी डी वाला ये ऑप्शन नंबर टू हटा दो बी एफ वाला ऑप्शन नंबर हटा दो यहां पर सी डी है यहां पर सी डी है कॉमन है तो सी और डी बनने के चांसेस ज्यादा है इट यूजेस टू क्लॉक्स दो तरीके के क्लॉक ये यूज करता है वन दैट यूजेस पास्ट मेमोरीज एंड अनदर दैट डिपेंड्स ऑन रिदम बिल्कुल सही सेंटेंस बन रहा है सी और डी यहां पर बन सकता है यानी कि दोनों ऑप्शन हो, हो सकते हैं बस हमें अभी ई और ए e और ई e चेक करना है जस्ट लाइक बिग कैट्स और जम्बोज मंकीज टू आर समाइम्स एंडोपैराज आर समाइम्स वर्ब आ चुका है आर के बाद फिर से हैड लगाने की जरूरत नहीं है आर समाइम्स अगेन सुन के अजीब लगता है तो आपका ये ई e और ए का जो पैर है वो नहीं बनेगा तो बचा क्या आपने पास सिर्फ सी ऑर डी ओनली सी ऑर डी आंसर सही हो सकता है ऑप्शन नंबर थ्री के साथ जाएंगे ना बिल्कुल पैरासाइट right yes? का मतलब होता है ऐसे जीव जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं जिंदा रहने के लिए दूसरों के बॉडी में चले जाते हैं तभी वो उनके बॉडी में सर्वाइव कर पाते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स एंडोपैरासाइट्स के अंदर मतलब बॉडी के अंदर रहने वाले ऐसे हो सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं मैंने बताया था आपको कि लास्ट वर्ड फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड मेथड अप्लाई करी द रिस्क बाय के बाद पोस्ड आता है ना क्योंकि थ्रेट पोस्ड बाय द डेंजर पोस्ड बाय द रिस्क पोस्ड कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है बहुत ही स्ट्रक्चर ये कॉमन है यानी कि ई e के बाद बी लगेगा ई e के बाद बी ऑप्शन नंबर वन में है हो सकता है ई और बी नहीं है यहाँ पर ई और बी यहाँ पर है हो सकता है ई और बी एक साथ यहाँ पर नहीं है ई और बी एक साथ यहाँ पर नहीं है बस इतनी सी ही चीज को देख के पांच में से तीन हट गए अभी शुरुआत ए से करेंगे या शुरुआत सी से करेंगे एक बार देख लीजिए वायरस थ्रू के बाद देखिये सी के बाद उन्होंने डी लिख दिया वायरस थ्रू कुड रिड्यूस द रिस्क पोस्ड सार सीओवी कन्वेंशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस शुरुआत यहां, यहां से नहीं कर सकते नहीं कर सकते ए आपका एंडिंग पार्ट सुनने में भी अजीब लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर वन को भी हटाना पड़ेगा तो बचा के आपने पास थ्री आंसर बच गया, सो थ्री आंसर आंसर, शुड बी द राइट बिल्कुल ए शुरुआत करेंगे वायरस आएगा क्योंकि वायरस का ही नाम है सार सीओविटो वायरस थ्रू अनट्रीटेड वेस्ट वाटर तो यहां पर आपका सही आंसर बनेगा सी और डी के साथ एंड होता हुआ ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट सेम लॉजिक से यहां जा सकते हैं मोर के बाद क्या आएगा दैन लगेगा मोर दैन सो मोर के बाद अगर दैन है यानी कि ए के बाद ई e आएगा ए के बाद ई e मतलब ऑप्शन नंबर वन हो सकता है ए के बाद ई ऑप्शन नंबर थ्री हो सकता है ए और ई e एक साथ नहीं है ए और ई e एक साथ नहीं है ए और ई e एक साथ नहीं है ए ई e दोनों में कॉमन है तो ए ई e के बाद यहाँ पर सी आएगा या बी आएगा एक बार चेक कर लेते हैं ऑनटेरियो प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ कैनेडाज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स E के बाद बी लगेगा मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स नहीं लगा सकते ए e के बाद सी नहीं चल सकता फर्स्ट आंसर गलत है थ्री शुड बी द राइट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट कोई टर्म है यहां पर तो ग्लोबल वार्मिंग इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द दर्थ एटमोसफियर नहीं ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर एंड इट्स ओशंस तो एंड ई से करेंगे और ए से शुरुआत करेंगे ए से स्टार्ट होने वाला और ई से एंड होने वाला दो ऑप्शन है हमारे पास तो ए के बाद क्या है ग्लोबल वार्मिंग इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए के बाद डी आएगा ए के बाद डी यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है वन के साथ जाएंगे बिल्कुल सही जवाब एडी का पेयर चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लोज टेस्ट है पांच फिलर्स वाली क्लोज टेस्ट पहले तीन फिलर्स यहां पर आ चुके हैं उसके बाद दो आगे आएंगे बताइए क्या होगा आंसर इसका जापान इज नॉट ऑफन एसोसिएटेड विथ हैविंग अ रिच स्पोर्ट्स डैश बाई अदर कंट्रीज अराउंड दर्ल्ड स्पोर्ट्स का क्या नहीं है रिच स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है नहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या स्पोर्ट्स बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं स्पोर्ट्स पेवमेंट की बात नहीं हो रही पेवमेंट यानी कि फुटपाथ स्पोर्ट्स टेस्ट नहीं बोल सकते स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं तो यहां पर स्पोर्ट्स कल्चर आएगा ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर सही जवाब बिल्कुल करेक्ट आगे बढ़ते हैं सेकेंड फिलर ये वाला क्वेश्चन भी आप पांच सेकंड के अंदर अंदर आंसर दे सकते हैं ग्रामर की मदद से मेनी अदर के बाद यहां पर जो नाउन आएगा ये प्लूरल फॉर्म में ही होगा मेनी 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 अदर 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 आइडियाज कार्स समथिंग जो भी होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा ऑप्शन में अगर आप देखें इग्नोरेंस सिंगुलर है एम्फोसिस सिंगुलर सेटिस्फेक्शन सिंगुलर परसेप्शन ये इकलौता नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में आया है तो वही आएगा ना मेनी अदर परसेप्शन ही होगा बिल्कुल सही जा रहे हैं जापान के काफी सारे और परसेप्शन हैं इस कंट्री को लेके दैट आउटवे दिस कल्चर स्पोर्ट्स के कल्चर को आउटवे करते हैं अगला सवाल तीसरा फिल्म

जापनीज टेक्नोलॉजी जैपनीज टेक्नोलॉजी सुना होगा ना इवन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में वगैरह या इवन कार्स फॉर दैट मैटर सो यहाँ पर डेवलपमेंट आगे बढ़ते हैं फोर्थ फिलर

जो बच्चे अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो इक्विपमेंट ही करेक्ट होगा आंसर फाइव इज द राइट आंसर बिल्कुल सही आगे देखते हैं फिफ्थ और लास्ट इन द ब्लैंक Outrageously large driving range nets are scattered all over Tokyo. उंडीन मिनट इन अ टाउन विदाउट पासिंग एटलीस्ट वन बेसबॉल डायमंडील्ड इन ऑर्डर टू डैश द बेसिस फॉर द स्पोर्ट्स कल्चर इन जपैन वन मस्ट फर्स्ट लुक टू द रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड किसी चीज को समझने की बात करते हैं जापान के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर को अंडरस्टैंड करने का, का अगर आपकी ये है आ, कोशिश है तो आपको पहले उनके रिलीजियस और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को देखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड समझ में आई बात क्लियर यस इजी क्वेश्चन था एब्सोल्यूटली yes. <coughs> करेक्ट ओके परफेक्चर का मीनिंग क्या है परफेक्चर इज बेसिकली एन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जूरिस जहाँ पर उस पर्टिकुलर कंट्री के या किसी का पर्टिकुलर गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन का जो एरिया होता है कि इस एरिया के अंडर जो भी या इस एरिया के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे जुरिस्डिक्शन के अंदर होंगी उसको परफेक्चर कहते हैं ठीक है चलिए जनरली ये जापान uh, में ही देखने को मिलते हैं परफेक्चर से कॉन्सेप्ट जैपनीज कंट्री में जापान में देखने को मिलता है ज्यादातर तो उससे रिलेटेड वो वर्ड है मास्टर क्लास की टाइमिंग शाम को है ना साढ़े छह बजे आज शाम को साढ़े छह बजे होगी मास्टर क्लास फ्री मास्टर क्लास ऐप पर ओके चलिए सो ये लास्ट क्वेश्चन था आपके आज के सेशन का टेलीग्राम पर जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ये मेरा टेलीग्राम आईडी है क्यू आर कोड से जुड़ सकते हैं या फिर इस आईडी को आप सर्च कर सकते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये आईडी मिल जाएगी जो लोग नए हैं पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं चैंपियन सेल चल रहा है टेस्ट बुक पास के ऊपर एटीन मंथ पास अठारह महीने का डेढ़ साल का पास आपको मिल रहा है सिर्फ टू सेवेंटी में इसमें आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, के क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे अगर आपने टेक्ट बुक पास में एनरोल नहीं किया है तो आज ही एनरोल करिए पास की आपको ये इसको आप अप्लाई करिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट टेक्स्ट बुक पास के ऊपर चलिए सो आज के लिए इतना ही आज यहीं पर रुकते हैं टुडे फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग द सेशन सेशन अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्रेस द आइकन एज वेल कल फिर मिलेंगे दोपहर को बारह बजे सेम टाइम सेम चैनल ऐसे ही एक और सेशन के साथ और शाम को साढ़े छह बजे भी मिलते हैं फ्री मास्टर क्लास में ओके okay? टेक केयर ऑल ऑफ यू